शिखर व्यास मंत्र आकर पूज्य व्यास श्रीनाथ जी का स्वागत करते हुए व्यास गीता का सप्रेम भेंट। हम जहाँ रहते थे उनके हमारे पड़ोसी, अभी तो हमारे पड़ोसी ने भाई डंगसेना जी दुर्गेश डंगसेना जी, उनके द्वारा प्रदत्त है और उनके पूजनीय पिताजी जो शिक्षक थे हमारे बीच में भी है। मैं चाहूंगा दादाजी दो मिनट आकर के आप अपना आशीर्वचन दे देते। आइए, स्वागत है आपका। श्री राधे, व्यासपीठ महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। उनके सभी टीम भाइयों को मैं हृदय से नमन करता हूं और राठौर परिवार जिन्होंने इस भव्य भागवत कथा का आयोजन किया उसका मैं हृदय से आभारी हूं और हम सबको भागवत कथा सुनने का अवसर प्रदान किया। भगवान की राधा रानी की और कृष्ण भगवान की कृपा एवं आशीर्वाद उन्हें मिले। सभी वात्सल में ही माताओं और भाइयों को भी प्रभु की कृपा एवं आशीर्वाद मिले। ये किताब जो है भगवत गीता, इस पुस्तक को बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा अर्थात उनमें शाब्दिक दिया है, उसके बाद उसके जो भावार्थ हैं बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा दिया गया है। मैं चाहूँगा कि आप सभी समर्पण भाव से इस किताब का अध्ययन करें। हम जैसे बुजुर्ग लोगों को इस किताब से बहुत ही फायदा होगा। मोहजनित जो पीड़ा है उससे हमको मुक्ति मिलेगी। इस पुस्तक में भगवान कृष्ण के द्वारा कहे गए शब्द हैं जो अर्जुन के प्रति है और हम सबको वह एक प्रकार से अनमोल धन के रूप में शिक्षा प्रदान करेगा। मैं चाहूंगा कि आप विधिवत कम से कम दिन में दो तीन श्लोक पढ़ करके उस भावार्थ को समझ करके उसका चिंतन मनन करेंगे, आपको जीवन में उससे बहुत फायदा होगा। देखिए, आप जिससे प्यार करते हैं उसमें सारे गुण आ जाते हैं। समर्पण महाराज बताए, समर्पण भाव से प्रेम से त्याग तपस्या उसमें सभी निहित हो जाते हैं प्रेम में। एक वाक्य में कह रहा हूं, देखिए आप उससे प्रेम करेंगे तो परिचय उससे होगा और फिर पहचान बन जाएगी। प्यार परिचय को पहचान बना देता है, प्यार परिचय को पहचान बना देता है, गीत वीरों को गुलस्तान बना देता है, आप बीती कहता हूं दर्द आदमी को इंसान बना देता है। आप देखेंगे दर्द के पास ही भगवान होते हैं। मां कुंती ने भगवान से यही वरदान मांगा कि हे प्रभु हमारे में विपत्ति दर्द आता रहे जिससे कि आप हमारे निकट रहेंगे, मेरे को यही वरदान दीजिए। दर्द है, दर्द जो होता है वो व्यक्ति को महान बना देता है। दर्द के कारण ही मीराबाई भगवान को प्राप्त कर ली, दर्द के कारण ही द्रौपदी के पट में भगवान लिपट गए, दर्द के कारण ही सीता जी के पृथ्वी को फटना पड़ा और लोक अपवास से बच गई, दर्द के कारण ही महाकवि आदि कवि वाल्मीकि जी उस पक्षी के दर्द के कारण महाकवि बन गए, आदि कवि बन गए। तो दर्द से
भगवान की प्राप्ति होती है ये बात निश्चित है। तो सबको भगवान की कृपा एवं आशीर्वाद मिले, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और सबके हृदय में भगवान कृष्ण अनंत अनंत कोटि कोटि ब्राह्मण नायक बसते हैं, उस कृष्ण को उस राधा को मेरा प्रणाम है। आप सभी प्रणाम स्वीकार करें। जय बोलिए।